Is it visible to you? If it is visible, then please thumbs up. Students, my voice is audible to you? Okay. So today we will continue the topic that we left yesterday, and okay, no problem. You can raise your hand or write it down in your chat box. Okay. तो कल हमने क्या पढ़ा था अबाउट कमर्शियल एडवर्टाइजिंग देन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग और फिर हमने पढ़ा था सोशल एडवर्टाइजिंग राइट. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एड बनाए जाते हैं ताकि हम उसे अट्रैक्ट होकर उसे खरीदें, जैसे कि बिस्किट्स हुए, सोप, क्लॉथिंग, शूज एंड फूड एक्सेट्रा. ये क्या है, सब कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. ठीक है, अब नॉन कमर्शियल क्या होता है, जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसे यूज करती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ही बोलती है कि हमें वोट दो, हम ये सारे डेवलपमेंट करेंगे, या फिर हम कहें कि कोई चैरिटी है, अगर वो चैरिटी कहती मतलब ब्रॉडकास्ट करवाती है कि अगर आप भी हमारी मदद करना चाहते हो तो आप हमें फंड भेज सकते हैं. तो ये सब क्या है, नॉन कमर्शियल है, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. देन सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जो सोशल इश्यूज को रेज करती है, जैसे हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हमारी सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड को सेव करना, then girl child education, then child trafficking, या बोल सकते हैं dowry, या जो signs होते हैं, symbols होते हैं, या जो warnings दी जाती हैं that road safety की regarding, या wearing helmet and about sanitation, जैसे कि बहुत सारे right, ये सब क्या है, social messages हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजिंग. फिर हमने ब्रांड के बारे में देखा था, तो बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, राइट. अब इन ब्रांड्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कोई ऐसा टर्म हो सकता है, साइन हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, और इसमें हमने कोको कोला भी देखा था जिसके अंडर उन्होंने एक स्लोगन यूज किया था, ठंडा मतलब कोको कोला, राइट. और जिसमें वो जो सीरीज थी या वो जो एड था उसमें आमिर खान ने एक्ट किया था, और जिसके कारण क्या हुआ था, कोको कोला की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी. अब ऐसा क्यों हुआ था, वो हुआ इसलिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बहुत एक अट्रैक्टिव स्लोगन के साथ लोगों को अट्रैक्ट किया, राइट. तो जब भी वो कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते थे तो वो क्या पीते थे, कोको कोला पीते थे. और दूसरी चीज, अगर कोई फेवरेट एक्टर है या कोई फेवरेट क्रिकेटर है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है, मतलब उसका प्रमोशन करता है, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं. अगर सपोज अगर मेरा कोई फेवरेट एक्टर है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, इंडोर्स करना मतलब प्रमोट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसी प्रोडक्ट को यूज करूंगी. तो सिमिलरली उस टाइम पे आमिर खान ने जब उस कोको कोला को इंडोर्स किया तो उसकी डिमांड क्या हुई, एकदम से बढ़ गई, राइट. तो ये हमने कल देखा था. आज हम पढ़ेंगे मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट. अब एडवर्टीजमेंट बनाना, एडवर्टाइजिंग इज असेंशियल इन गेटिंग पीपल टू बाय अ ब्रांड
अब एडवर्टाइजमेंट क्यों जरूरी है, ताकि लोग उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदें, राइट? द क्वेश्चन दैट नाउ अराइजेज इज हाउ द पीपल हु एडवर्टाइज डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ इमेज, टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशन टू सेल अ प्रोडक्ट. लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या इमेज वो दिखाएंगे, क्या चीज वो बोलेंगे और कौन से इमोशंस उसमें दिखाएंगे. जैसे कि अगर हम कैडबरी सेलिब्रेशन के बारे में बात करें, तो जनरली आपने राखी के आसपास कैडबरी सेलिब्रेशन के जो एड्स हैं वो ज्यादा देखे होंगे. उसमें कैसे लोगों को दिखाया जाता है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर्स को दिखाया जाता है ना, इमेजेस उस तरीके से दिखाई जाती है. टेक्स्ट जो बात की जाती है, जो कन्वर्सेशन होती है, वो भी कुछ उसी तरीके से राखी से रिलेटेड ही होती है. और इमोशंस कैसे होते हैं कि ब्रदर सिस्टर का जो लव होता है वो उस एड में दिखाया जाता है, राइट? तो ऐसे ये तो हमने सिर्फ किसकी बात करी थी, कैडबरी सेलिब्रेशन की, राइट? लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो सारे ही प्रोडक्ट्स में किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है वो हम पढ़ेंगे. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी हाउ एन एडवर्टीजमेंट इज मेड. लेकिन इसको समझने के पहले हम क्या देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अपॉन द प्रोडक्ट दैट दे विश टू लॉन्च. अब सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी या कोई जो मैन्युफैक्चरर है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, वो सबसे पहले क्या डिसाइड करता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, क्या प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है, क्या प्रोडक्ट वो बेचना चाहता है, राइट? द कंपनी देन हायर्स अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. अब ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, राइट, जो हम टीवी पर देखते हैं, ये कंपनी खुद नहीं बनाती है, ये ना एजेंसी को क्या करती है, हायर करती है. हायर करना मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे लिए एड बनाओ, ठीक है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करती है. इट इज द टास्क ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू फाइंड आउट हु वुड बी द टारगेट कंज्यूमर एंड लॉन्च अ कैंपेन अकॉर्डिंगली. अब वो लोग सोचते हैं सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है या जो एजेंसी है वो क्या सबसे पहले टारगेट करती है कि उनके कंज्यूमर होंगे कौन. जैसे सबसे पहले अगर कोई कंपनी है जो क्या बना रही है, सपोज टेडी बियर्स बना रही है ना, एक कंपनी है या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या बना रही है, टेडी बियर्स बना रही है, तो उन्होंने क्या किया है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया है और ये कहा गया है कि आप हमारे लिए एड बनाओ. तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करेगी, सबसे पहले ये सोचेगी कि हमारे कस्टमर्स कौन है, कौन हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेगा, टारगेट कौन है हमारा. तो कौन होगा, सबसे पहले बच्चे, राइट, देन गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, राइट, ये उनके टारगेट कंज्यूमर्स हैं. और फिर उसी के हिसाब से क्या करेंगे, वो कैंपेन लॉन्च करेंगे. कैंपेन मतलब उसी हिसाब से वो उस एड को बनाएंगे. यहां तक समझ में आया? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज थम्स अप और से यस इन चैट बॉक्स. ओके, सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, सर्वे करती है. एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैरीज आउट अ सर्वे अक्रॉस वेरियस सिटीज एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कम्स अप विद अ कैंपेन टू लॉन्च अ प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट. अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक कैंपेन को लॉन्च करने के पहले क्या करती है, बहुत सारे सर्वे करती है. जैसे एक सिटी में वो बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे या अगर ये प्रोडक्ट ऐसा होगा तो आप इसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. ऐसे बहुत सारे वो क्या करती है, सर्वे करती है और फिर वो उस कैंपेन को लॉन्च करती है ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो. A marketing strategy is then drawn up by company and the product is first tested among a small section of target consumer. अब सबसे पहले उस प्रोडक्ट को, जैसे मैंने आपको टेडी बियर के बारे में कहा,
तो सबसे पहले वो जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना मतलब एक प्लानिंग करना कि वो कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे उसे, राइट, और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब उसे बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। और फिर जब टेस्टिंग की बारी आती है कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लोगों को क्या चाहिए, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, स्मॉल सेक्शन में मतलब कुछ एरियाज में क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ठीक है, अलोंग विथ विजुअल एंड एडवर्टीजमेंट। अब वो जैसे आपने बड़ी बड़ी सिटीज में या मूवीज में देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और फिर उसमें एड दिए जाते हैं कि हमारा एड ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, आप इसे खरीदो, राइट, आपने देखा होगा बहुत सी जगह। तो ऐसे विजुअल और एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से क्या होता है, उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है कि लोग इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लोगों को अगर नहीं खरीदेंगे तो हमें और क्या ऐड करने की जरूरत है ताकि लोग इसे खरीदें। वंस द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल, जब अगर उन्हें लगता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल है, जो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई है वो सक्सेसफुल है, द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज फाइनलाइज्ड, और फिर उस कैंपेन को, उस बड़े से एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, इट इज देन रिलीज थ्रू द मीडिया अलोंग विद द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको टीवी, रेडियो और टेम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है। टीवी और न्यूज़पेपर्स में आने से पहले प्रोडक्ट की क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है कुछ छोटे एरियाज में, और ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है या हमारा जो विजुअल का तरीका है, हमारा जो एड है, अगर उसमें कुछ कमी है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, एडवर्टीजमेंट एंड सोसाइटी, अब एडवर्टीजमेंट और सोसाइटी का क्या कनेक्शन है, जैसे कि एड क्या होते हैं, टीवी पर दिखाई देते हैं, और सोसाइटी कौन है, हम खुद, राइट, हमारे आसपास के लोग, ये क्या है, सोसाइटी का पार्ट है, राइट। सो एडवर्टीजमेंट हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी चूज टू बाय और कंज्यूम डिफरेंट आइटम्स। अब एडवर्टाइजमेंट के कारण एक बड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर हम कोई एड देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं या कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं या उसे यूज करते हैं। दिस इन टर्न इम्पैक्ट अवर लाइफ, और उन प्रोडक्ट को यूज करके क्या होता है, हमारी लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, उस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। हाउ वी परसीव थिंग्स एंड अवरसेल्फ, अब कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम चीजों को समझते हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा, है ना, बहुत तरीके के आटा कंपनीज है, लाइक आशीर्वाद आटा, एंड जावरा में लोकली हम देखें तो जावरा गोल्ड का आटा, सो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोर, है ना, देट आर सोल्ड इन मार्केट both baked and without packaging. अब ये जो वेराइटी ऑफ फ्लोर है, कुछ इसमें से पैकेजिंग के साथ आते हैं जो पैक्ड होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनमें पैकेजिंग नहीं होती है, खुले मिलते हैं। इन केस ऑफ पैक्ड फ्लोर देर आर डिफरेंट ब्रांड्स दैट एडवर्टाइज फ्रेशनेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट। बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मेक श्योर कि आप ऐसे एरिया में बैठे हो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, बिकॉज बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है।
ओके सो जो फ्लोर कंपनीज है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो फ्लोर कंपनी जो फ्लोर सेल करती हैं, अगर हम पैक्ड फ्लोर की बात करें, जो आटा आता है जो पैक्ड आता है, जैसे आशीर्वाद आता है ना, या जावरा गोल्ड है, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो क्या बताती है कि उनका जो फ्लोर है वो फ्रेश है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, राइट? ऑल्दो देयर माइट बी अ लिटिल डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड लूज फ्लोर, सिंस जो पैक्ड फ्लोर आता है, जो पैकेजिंग वाला आटा आता है, और जो ओपन मिलता है, उनमें दोनों में क्वालिटी डिफरेंस होता है, राइट? दोनों में हो सकता है कि क्वालिटी डिफरेंस हो. The effect of advertisement is such that the consumer begin to believe the claim made by the brand. अब since उन्होंने ad में बताया कि हमारा जो आटा है वो क्या है, fresh है, उसमें बहुत ज्यादा nutrition है, right? So लोग क्या believe करने लगते हैं कि जो packed floor है वो quality वाला है, और जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, जो भी वो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमारा जो फ्लोर है वो बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशनल है, तो लोग उसे बिलीव करने लगते हैं. दिस मे लेड टू पीपल चूज टू बाय पैक्ड फ्लोर इवन दो दे आर कॉस्टलियर देन द अनपैक्ड फ्लोर. अब भले ही वो जो पैक्ड फ्लोर है, जो पैकेजिंग वाला आटा है, वो महंगा होगा, लेकिन लोग क्या बाय करेंगे, वो पैक्ड वाला, क्योंकि अनपैक्ड वाला लोग क्या सोचेंगे, जो अनपैक्ड वाला है एक तो वो चीप क्वालिटी का है, राइट? क्योंकि यस, एक तो वो क्या है, चीप क्वालिटी, ऐसा वो कंसिडर करेंगे कि जो अनपैक्ड है वो चीप क्वालिटी है और जो पैक्ड है वो क्वालिटी वाला है. और सेकंड थिंग कि जो अनपैक्ड है वो सस्ता भी है, तो इट मींस कि सस्ता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, पैक वाले को, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इसे फील किया है, प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, अर्शी ने किया है. ओके, सो मैं बताती हूँ. ओके गुड, सो मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसमें हो सकता है, राइट? कंपेयर द टू एडवर्टीजमेंट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. अब पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द स्लोगन इन टू एडवर्टीजमेंट, विच वन डू यू थिंक विल अट्रैक्ट कंज्यूमर, गिव रीजन. अब इन ये क्या है, दो आटा ब्रांड्स दी हुई हैं या फ्लोर ब्रांड्स दी हुई हैं, अब इन दोनों के स्लोगन हैं अपने अपने, जैसे बिल्कुल ताजा शुद्ध आटा, एंड सेकेंड स्लोगन क्या है, स्वाद भरा सोना आटा, राइट? ये दो इनके क्या है, स्लोगन है. तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन से कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा, राइट? और उसका रीजन भी बताना है. जैसे कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या बता रहा है, बिल्कुल ताजा शुद्ध आटा, एंड सेकेंड स्वाद भरा सोना आटा. सो अकॉर्डिंग टू मी कंज्यूमर किस पे अट्रैक्ट होगा, स्वाद भरा सोना आटा. व्हाई? अब रीजन बताना है, बिकॉज जो वैल्यूज इससे अटैच की गई है, जैसे बिल्कुल ये शुद्ध आटा जो है उससे क्या अटैच की गई है, एज प्योर एज मदर्स लव है, और सेकेंड होलसम न्यूट्रिशन. तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन होगा, सोना आटा. तो लोग कौन सा फूड खाना पसंद करेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन हो, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी कंज्यूमर विल गेट अट्रैक्टेड विथ सोना आटा, ठीक है? What different message or values are two brands trying to convey to consumer? अब कौन सी दोनों ब्रांड्स क्या वैल्यूज
प्रोवाइड कर रही हैं, वैल्यूज मतलब क्या स्पेशलिटीज हैं। सो फर्स्ट क्या बता रहा है, बिल्कुल ताजा मतलब फ्रेशनेस है ना, और सेकंड इसमें स्वाद भरा मतलब टेस्टी। सेकंड ब्रांड क्या बता रहा है कि वो टेस्टी है। फिर इसमें एक और क्या है, एज प्योर एज मदर लव, अब मतलब कि देयर इज नो मिक्सचर, इट इज प्योर आटा, शुद्ध आटा। एंड सेकंड व्हाट इट इज गिविंग दैट होलसम न्यूट्रिशन, दैट इट इज अ न्यूट्रिशियस फ्लोर। ठीक है, नाउ एज मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज्ड ऑन डिफरेंट मीडिया, देयर इज एन इंक्रीज इन डिजायर टू बाय और कंज्यूम दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इवन दो वन डज नॉट नीड दैम। अब जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज किया जाता है किसी मीडिया पे, जैसे आप टीवी पर कोई प्रोडक्ट जो बार बार डिस्प्ले किया जा रहा है या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे ये खरीदना है। लाइकवाइज अगर कंटिन्यूअसली चॉकलेट का एड आ रहा है, कैडबरी डेयरी मिल्क का आ रहा है या किटकैट का आ रहा है या मैगी का आ रहा है, तो बार बार अगर वो एडवर्टीजमेंट जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमें भी खाने की इच्छा हो रही है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। एंड दिस इज नोन एज कंज्यूमरिज्म, तो उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं। इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट दैट एडवर्टाइजिंग हैज नो पीपल, अब ये एक अनदर एग्जाम्पल है, दिस इज नोन एज कंज्यूमरिज्म, इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट दैट एडवर्टाइजिंग हैज ऑन पीपल। अब ये दूसरा इम्पैक्ट है कि एडवर्टाइजिंग कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है, कैसे लोगों को उससे फर्क पड़ता है। जैसे बार बार अगर कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो फिर हमें भी उसे बाय करने की या उसे कंज्यूम करने की क्या होती है, इच्छा होती है, लाइक डिजायर्स होते हैं। Now, advertisement can also be misleading and make false claims about different products and services. अब कभी कभी advertisements क्या होते हैं, misleading होते हैं, मतलब गलत हो सकते हैं या false गलत claim कर सकते हैं, गलत बता सकते हैं कि ये गलत है about their product, उनके product के लिए। This will make consumer choose the product and services even though it may not be beneficial for them. और जिसके कारण कंज्यूमर क्या होता है कि इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ठीक है हम वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे अगर वो कुछ ऐसा क्लेम कर रहा है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, रेडबुल, राइट, रेडबुल का स्लोगन क्या है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, इनिशियली यही था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स। तो क्या रेडबुल पीने से आपको विंग्स आ जाते हैं, नो नहीं आते है ना। तो ये क्या है, उन्होंने क्या किया, फॉल्स क्लेम किया था, उसके बाद उसे करेक्ट भी कर दिया गया है, राइट, लेकिन इनिशियली उसे क्या किया गया था, ये फॉल्स क्लेमिंग थी, राइट, जिसके कारण लोग क्या हुए थे, मिसलीड हुए थे, फिर भी लोग उसे खरीदने लगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, there is a deep link between democracy and advertisement. Now, अब democracy और advertisements में के बीच में एक deep link होती है। Although advertisements are free of creatively expressed idea and opinion promoting different products and services, they also exhibit inequality. अब कभी कभी advertisements बहुत ज्यादा creative होते हैं, है ना, और उसके जो आइडियाज ओपिनियंस जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इनइक्वालिटी को भी एग्जिबिट करते हैं, उसमें इनइक्वालिटी भी शो की जाती है। मेकिंग द एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब जब एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग की जाती है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के थ्रू, तो वो बहुत ज्यादा उसमें पैसा लगता है। जैसे कि अगर मैं कोई एड है टेम्पलेट में छपवा रही हूँ तो वो मुझे कम लगेगा, है ना, कम कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर मैं किसी सेलिब्रिटी से इंडोर्स करवा रही हूँ टेलीविजन पे तो इट विल कॉस्ट मी मच,
such amount of money can only be invested by big business houses. अब इतनी जो amount है money की या इतना amount है वो सिर्फ कौन invest कर पाता है? Big business houses, बड़े बड़े business men जो हैं, वो ही उसे invest कर सकते हैं. तो इसके कारण क्या हुआ, जो small business वाले हैं वो advertisement afford नहीं कर सकते हैं, और जिसके कारण उनकी जो सेल है उस पर भी क्या होता है, इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जिसका एड आता है लोग उसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदते हैं. देयरफॉर पीपल विद स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट अफोर्ड टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट और सर्विस विच इन टर्न इम्पैक्ट देयर सेल्स. जैसे मैंने बताया कि बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट देते हैं मीडिया में और इंडोर्स करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को किसी सेलिब्रिटी से, तो लोग उन्हीं के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे, राइट. लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन है जो एडवर्टीजमेंट नहीं बनवा पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सेल क्या होगी, कम होगी. कंज्यूमर ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट एंड प्रिफर पैक्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट ओवर अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर. अब कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले पैक्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन और किसे नहीं खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करते हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चीज वो नहीं खरीदते, दे वांट टू यूज ब्रांडेड प्रोडक्ट, राइट. देयरफॉर द सेल एंड इनकम ऑफ पीपल विद स्मॉलर बिजनेस is adversely affected and this forces them out of the market. और जिसके कारण उनकी जो सेल है, उनकी जो इनकम है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है. और जिसके कारण उन्हें क्या किया जाता है, मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है. बाहर निकाल दिया जाता है मतलब कि वो कॉम्पिटिशन में ही नहीं होते हैं, लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहते हैं. तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको मार्केट में जो उनकी शॉप है उसे बंद करना पड़ता है, राइट. Therefore, reinforcing inequality between people with big business and small business. और इसीलिए ये जरूरी है कि ये जो inequality है लोगों में जो बड़े business और small business वालों के बीच में, उसे क्या करना चाहिए, reestablish करना चाहिए, ये जरूरी है. Through advertising appeals to our personal emotions, though advertising appeals to our personal emotions and have a strong influence on our lifestyle. अब advertising क्या करता है, हमारे personal emotions और हमें बहुत ज्यादा influence करता है, प्रभावित करता है, हमारी lifestyle को भी बहुत ज्यादा affect करता है. As a citizen of democratic society, we must make independent choices. और हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, independent choices बनानी चाहिए. मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के बेसिस पे या उसकी जो पैकेजिंग है उसके बेसिस पर, क्वालिटी इज नीडेड लाइक, लेकिन पैकेजिंग के बेसिस पर या उसके लुक के बेसिस पर नहीं जज करना चाहिए. वी शुड मेक आर decisions independently, है ना. हम किसी के ऊपर या किसी के कहने पे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए. reinforcing का मतलब होता है टू डू समथिंग स्ट्रॉन्ग, राइट. हमें स्ट्रॉन्गली इनइक्वालिटी जो है बिग बिजनेस हाउसेस और स्मॉल बिजनेस हाउसेस के बीच में, उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए. जैसे लोग सोचते हैं कि बिग बिजनेस हाउसेस और स्मॉल बिजनेस हाउसेस में जो इनइक्वालिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. We must encourage advertisements with social message and discourage products that highlight inequalities in society. अब हमें क्या इंकरेज करना चाहिए, हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो सोशल मैसेज देते हैं जो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में हो, और किसे डिस्करेज करना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाए, ठीक है.
Okay, now book activity. Choose the correct answer and fill in the blank. First one is giving special name to the product, to a product by a company to differentiate it from similar products is termed as branding. C. Branding. Second, advertisements though are free creative expression exhibit inequality. A. Inequality. Third, advertising agencies carries out dash across various cities and sections of society and comes up with a campaign to launch the product successfully in the market. That is a survey. D. Survey. The brand or tagged product is always costlier because of the cost involved in packaging and advertising. B. Cost. Dash of product by famous people like cricketers and film actors also influence the thinking of the consumer. That is endorsement. Endorsement. Endorsement का मतलब क्या होता है? Promote करना. Okay, read the sentence and answer the question. अब ये one word answer है बेटा. ठीक है, तो ये आप book में ही लिखो. A message or information provided to promote a product or service. What it is called? It is called advertisement. A D V E R A D V E R T I S E M E N T S S E M E N T S advertisements. ठीक है, a type of advertisements that is used to spread awareness about social issue. Which type of advertisement is it? That is called social advertising. S O C I A L. Social. S O C I A L. Social. Advertising. A D V E R T. A D V E R T I S I N G. Advertising. Social advertising. ठीक है? Any name, slogan, sign, symbol or design that helps to differentiating one product from similar product, what is it called? That is called brand. B-R-A-N-D. Brand. ठीक है? Next. A phenomena in which people desire to buy more and more products under the influence of advertisements without really needing them, what is it called? That is called consumerism. C-O-N-S-U-M. C-O-N-S-U-M. E-R-I-S-M. Consumerism. Consumerism. ठीक है, C O N S U M E R I S M. Consumerism. Now, state whether true or false. Advertising can be classified into 5 categories based on their purpose served by them. This is false. It is classified into 3 categories, that is commercial, non-commercial and social. Okay? Commercial advertising helps in increasing the demand of products. That is true. Advertisements do not influence people in making a choice from a number of brands. That is false. Advertisements
influence people, it influences people. ठीक है, तो ये statement गलत है. Packed goods are always of the superior quality than non-packed products. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पैक्ड गुड्स जो है वो सुपीरियर क्वालिटी के हों. कभी कभी वो प्रोडक्ट जो नॉन पैकेजिंग में अवेलेबल होते हैं वो भी क्वालिटी के होते हैं. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ एडवर्टीजमेंट्स कैन आल्सो बी मिसलीडिंग एंड मेक फॉल्स क्लेम अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस, दैट्स ट्रू. So first one was false, second true, third false, fourth false and fifth true. So सभी की बुक एक्टिविटी हो गई है कंप्लीट. कोई ऐसा जिसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है?